Hello everyone, welcome to the second lecture of chapter 9, that is supply. Now let us revise the things quickly that we have done in our first session. Introductory portion mein humne ye dekha tha that market forces do hote hain, demand jiske bare mein hum chapter 3 mein pad chuke hain. And the second market force is the supply. ये demand and supply जो दो market force हैं वो decide करते हैं product की price. जब हम demand के बारे में बात करते हैं we talk about the behavior of a buyer. Now when we talk about the supply we talk about the behavior of the seller in the market. जैसे demand को affect करते हुए factors हमने detail में discuss किए थे द सेम सप्लाई को भी फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं दैट वी विल लुक हियर इन दिस चैप्टर देन वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई की डेफिनेशन में फोर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए वो फोर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विलिंगनेस टू सेल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड टाइम पीरियड These four essential elements should be there in the definition of the supply. Then we have seen the difference between stock and supply. Stock refers to the total quantity available with the producer and supply is the part of that stock. Stock ek particular point of time pe measure hota hai and supply hai wo over a period of time pe measure hota hai. अब लॉ ऑफ सप्लाई फिर हमने देखा था दैट देर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सॉरी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सप्लाई अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट पॉजिटिव रिलेशन होता है डिमांड के बारे में हमने नेगेटिव रिलेशन देखा था यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है देन द लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन इन टू वेज इंडिविजुअल एंड द मार्केट इसमें इंडिविजुअल के बारे में हमने लास्ट सेशन में देखा था ओके अब इंडिविजुअल व्यू पॉइंट से कौन से फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं वो हमने देखा था दैट इज टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज प्राइस ऑफ इनपुट डज नॉट चेंज देर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड देर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स फिर हमने देखा था इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल टेबुलर प्रेजेंटेशन पॉजिटिव रिलेशन है अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट द सेम इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से भी हमने देखा था नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द मार्केट केस अब देखिए डेफिनेशन यहाँ पे है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल द सेलर्स यहाँ पे हम मार्केट व्यू पॉइंट से बात कर रहे हैं सो वी आर कंसिडरिंग ऑल द सेलर्स मार्केट में एंड यहाँ पे हम एजम्पशन में एक एजम्पशन ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू द मार्केट इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से हम एज्यूम कर रहे थे टेक्नोलॉजी को डज नॉट चेंज इनपुट प्राइस डज नॉट चेंज टैक्सेशन एंड सब्सिडी में कोई चेंज नहीं होता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स में कोई चेंज नहीं होता है वो इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से था अब मार्केट के व्यू पॉइंट से यहाँ पे देर इज़ नो चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स ऑल्सो ओके अब मार्केट के व्यू पॉइंट से टॉपिक देखते हैं पहले मार्केट सप्लाई स्केड्यूल देखते हैं स्केड्यूल मतलब क्या है इट इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन सी इट इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन शोइंग पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल द सेलर्स लिखना ज़रूरी है बिकॉज ये मार्केट व्यू पॉइंट से टॉपिक है सो ऑल द सेलर्स शुड बी देयर बिकॉज वी आर कंसिडरिंग मार्केट व्यू पॉइंट And other things being constant. Since group of all the firms is called industry. Okay, jitni bhi firms hain, usko agar together we consider it as industry. So market supply ka jo schedule hai, usko hum industry supply schedule bhi keh sakte hain. Ab yahan pe humne table mein teen sellers ke bare mein example liya hai. There are three sellers, quantity supplied by A, quantity supplied by B and quantity supplied by C. अब इन तीनों के सप्लाई को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें मार्केट सप्लाई मिलता है ओके देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है ओके
दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड बाय ए बाय बी एंड बाय सी एंड तीनों को प्लस करके ये मार्केट सप्लाई है. ओके एंड सी देयर इज पॉजिटिव रिलेशन. प्राइस भी बढ़ रही है एंड क्वांटिटी सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. प्राइस इंक्रीज सी 10, 20, 30, 40 एंड 50. क्वांटिटी सप्लाइड बाय ए बाय बी एंड बाय सी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड इन तीनों का प्लस करके ये वाला जो है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके आई होप ये टेबल समझ में आ गया होगा आपको. सप्लाई के जो डिजिट्स हैं एंड प्राइस के जो डिजिट्स हैं वो आप कोई भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए. बोथ शुड इंक्रीज. इफ प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस. एंड मार्केट व्यू पॉइंट है इसीलिए फिर जितनी भी क्वांटिटी सप्लाइड हैं उनको हम प्लस करेंगे. अब उसका एक्सप्लेनेशन एवरीवन. द अबाउट टेबल 9.2 शोज दैट द सप्लाई बाय थ्री सेलर्स और द फर्म ए बी सी राइजेस ड्यू टू राइज इन प्राइस फ्रॉम 10 टू 50. प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 टू 50 एंड द मार्केट सप्लाई बीइंग हॉरिजॉन्टल समेशन. मार्केट सप्लाई जो है वो हॉरिजॉन्टल समेशन है. ओके ऑफ इंडिविजुअल हॉरिजॉन्टल समेशन मतलब तीनों को प्लस करना है, ए बी एंड सी हॉरिजॉन्टल तीनों को प्लस करना है. एंड एज प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 टू 50 द क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम 30 टू 70. अब मार्केट सप्लाई कर्व के बारे में. कर्व मतलब ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है. ओके वो टेबुलर प्रेजेंटेशन था, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है. इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड बाय अ कमोडिटी बाय ऑल द सेलर्स इन द मार्केट. सी मार्केट के व्यू पॉइंट से आता है तो हमें लिखना क्या है, ऑल द सेलर्स इन द मार्केट एंड अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट. मार्केट सप्लाई कर्व फॉर अ गुड इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ गुड. ओके यहाँ पे हमें पॉइंट्स जो मिलेंगे वी विल पुट ऑल द पॉइंट्स टुगेदर एंड वी विल गेट अ कर्व ऑफ द मार्केट ऑल द सेलर्स. Of that good are willing to sell in the market at a given price and given period of time also and other things remain constant. Iske observations kuch hain. SS is the market supply curve which represents positive relation between price and quantity supplied. Ye market curve hai. Dekhiye yahan pe aapko curve se pata chal jayega. Ye teen market curve hain A, B and C. Tino ko plus kiya to ye market curve milega. Q A B C is the quantity supplied at price rupees 30 and Q M is the quantity supplied of all the three sellers together. ओके टेबल के ऊपर से आप कर्व इजीली ड्रॉ कर सकते हो. एंड अब कर्व का एक्सप्लेनेशन है. एस एस दैट इज सप्लाई कर्व इज द समेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व ए बी एंड सी. हॉरिजॉन्टल जो कर्व हैं ए बी सी इनका ये समेशन है. It is a horizontal summation of individual supply curve of various firms. Example, at price OP, the price OP hai 30, to market supply total jo hai wo 50 pe aata hai. Jahan pe individually A, B and C ka jo supply hai wo hai 6 units A ka, 16 units B ka एंड 28 यूनिट्स सी का. तीनों को प्लस करेंगे तो मार्केट सप्लाई टोटल जो है वो 50 यूनिट्स का मिलता है हमें यहाँ पे. अब सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप के बारे में बात करते हैं. स्लोप ऑफ अ सप्लाई कर्व. स्लोप ऑफ अ कर्व इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चेंज इन द वेरिएबल मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस. मतलब सप्लाई का जो कर्व है वो मेजर करने के लिए हमें एक्स एक्सिस पे कितना चेंज आता है एंड वाई एक्सिस पे कितना चेंज आता है उस हिसाब से वी हैव टू वर्क आउट. इफ द रेशियो हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू मतलब दोनों अगर इंक्रीज होते हैं. ओके पॉजिटिव मतलब इफ वन इंक्रीजेस द अदर ऑल्सो इंक्रीजेस देन द कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्वांटिटी में भी इंक्रीज प्राइस में भी इंक्रीज अगर ऐसा होता है देन द कर्व इज मूविंग अपवर्ड्स
from left to right. Since supply curve represents positive relation, okay, supply ki definition mein bhi humne dekha tha that there is positive relation, okay, between price and quantity supplied, okay. The supply curve positively sloped hota hai from left to right. Ab supply curve ki jo line hai wo straight line bhi ho sakti hai and curved line bhi ho sakti hai. Ab hum dekhenge ki supply curve ki jo line hai wo straight curve hoti hai and curved curve hoti hai. Dekhiye pehle straight line curve hoti hai. Okay, curve bhi diagram bhi pass mein draw kiya hua hai. The slope of a straight line supply curve, that is change in y and change in x, is constant throughout. X and y में जो change होता है ना वो constant ही है. आप A, B, C, D, E सब points को देखिए. A से B में quantity में change होता है 1 से 2 and price में change होता है 10 से 20. Similarly, 2 to 3 quantity में change हुआ, 3 to 4, 4 to 5. तो quantity changes by 1 unit increasing every time. सेम प्राइस हर बार कितना इंक्रीज होती है 10 एवरी टाइम द प्राइस इंक्रीजेस बाय 10 एवरी टाइम इट मीन्स दैट द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड आर इन द सेम डायरेक्शन एंड सेम प्रोपोर्शन देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस दे आर इंक्रीजिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड सेम प्रोपोर्शन मतलब जो चेंज है प्राइस में एंड क्वांटिटी में वो भी सेम है Price increases by 10 every time and quantity increases by 1 every time. So the change is same in both the case. Here the slope of supply curve from A to B is same as B to C. में. Slope जो है वो A से लेके B तक का या B से लेके C तक का जो slope है वो same ही होता है. In short, एक ही लाइन आपको यहाँ पे याद रखनी है that When the price and quantity supplied are moving in same direction and in same proportion, the line is a straight line. Ab curved line kab rahegi. The slope of supply curve, that is change in y by change in x, is changing continuously. Then it is a curved line. Matlab, dono same direction mein to move ho rahe hain, lekin proportionate alag hai. Dono same direction mein matlab dekhiye, quantity bhi increase ho rahi hai, price bhi increase ho rahi hai. लेकिन क्वांटिटी में एंड प्राइस में जो प्राइस का इंक्रीज है ना वो कांस्टेंट नहीं है पॉइंट ए से लेके बी तक आप जो चेंज फील करते हो वहीं बी से लेके सी तक वहीं नहीं है डी से सी से लेके डी तक वहीं नहीं है ओके इफ इट रिमेन सेम इन बोथ द केसेस देन द लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन बट हियर यू कैन सी चेंज जो है वो दोनों का अलग अलग है सो द लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन इट इज अ कर्व्ड लाइन ओके ओके अब नेक्स्ट पेज पे है डिफरेंस है इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल का एंड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल देखिए स्केड्यूल मतलब ये टेबुलर प्रेजेंटेशन है विच शोज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड बाय इंडिविजुअल सेलर जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हमें वहाँ पे लिखना होगा ये पहले तो ये लिखना है कि टेबुलर प्रेजेंटेशन है या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है अब ये स्केड्यूल है तो ये होगा आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड बाय अ सिंगल सेलर पॉजिटिव रिलेशन टेबुलर प्रेजेंटेशन सिंगल सेलर अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट अब वही चीज मार्केट के व्यू पॉइंट से मार्केट सप्लाई स्केड्यूल है तो ये टेबुलर प्रेजेंटेशन पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल द सेलर्स अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट देर इज नो एग्रीगेशन एज क्वांटिटी सप्लाइड बाय वन सेलर ओके एक ही सेलर यहाँ पे होता है तो उसको एग्रीगेट या समेशन करने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे एग्रीगेशन समेशन करने की जरूरत है बिकॉज देर आर ऑल द सेलर्स इन द मार्केट यहाँ हम कंसिडर करते हैं सिमिलरली इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व के बारे में इंडिविजुअल सप्लाई कर्व अब यहाँ पे हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लिखेंगे बाकी सब चीज़ें सेम है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड बाय सिंगल सेलर एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट यही चीज़ मार्केट के व्यू पॉइंट से देखो तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फिर पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल द सेलर्स इन द मार्केट एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट अगेन द नेक्स्ट पॉइंट रिमेन सेम यहाँ पे नो एग्रीगेशन कोई समेशन नहीं है बिकॉज एक ही सेलर होता है मार्केट में चीज़ों को सेल करने के लिए एंड मार्केट के व्यू पॉइंट से देर इज एग्रीगेशन बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ऑल द सेलर्स फ्रॉम द मार्केट अब एक्सेप्शंस जहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन नहीं आता है वहाँ हम एक्सेप्शन
कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई का. ओके, इफ देर इज नो पॉजिटिव रिलेशन वी कंसिडर इट एज एक्सेप्शन. जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एग्रीकल्चर का. द लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट मच एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एज सप्लाई डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड दे आर प्रोड्यूस्ड विथ अ टाइम लैग. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम एक्सेप्शन में इसीलिए रखते हैं बिकॉज ये जो है वो नेचर पे डिपेंड है. यू नो, इफ द सीजन इज गुड, इफ द रेन इज मॉनसून अच्छा है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा होते हैं एंड ये प्रोड्यूस करने में टाइम गैप भी लगता है. ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ जाएगा तो हम उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे. कोई मशीन मेड प्रोडक्ट तो है नहीं कि जिसकी अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है. इफ़ ड्यू टू बैड वेदर द प्रोडक्शन इज लो द सप्लाई ऑफ द गुड्स कैनॉट बी इंक्रीज इवन इफ द प्राइस इज हाई. मान लो कोई सीजन फार्मर के लिए अच्छा नहीं है, मॉनसून सही नहीं था इसीलिए, तो स्केयरसिटी होगी, प्राइस ज़्यादा होगा. अब प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी क्या होता है, ये ज़्यादा प्रोडक्शन या सप्लाई इसकी नहीं हो सकती है इसीलिए. अब पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं वैसे वाले गुड्स. As these goods cannot be stored for long time, so even if the price falls, the seller has to clear the stock. मान लो मेरे पास perishable goods हैं, okay? तो price मुझे पता है अगर लगता है चार दिन बाद बढ़ने वाली है तो I cannot keep the goods right now. अगर आज price कम मिल रहा है तो मुझे वो clear करना ही है because मैं चार दिन बाद wait करके अगर sell करूँगा तो ये perishable goods है, ख़राब हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा. Okay? So that is an exception. Rare goods. सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स जो स्केयर्स हैं नेचर में, कॉस्टली हैं, पेंटिंग्स, रेयर कॉइन्स, इन सब की सप्लाई आप बढ़ा नहीं सकते हो बिकॉज ये रेयर गुड्स हैं. ओके, ये बहुत कम मार्केट में अवेलेबल हैं. ओके, कॉइन्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल ही कम होते हैं, रेयर कॉइन्स, तो आप उसकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते हो इवन इफ द प्राइजेस इनकी जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो भी. नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक. In order to clear old stock, sellers increase the supply even if the prices are low. अब अगर आपको पता हो ना, end of season sale होता है, stock clear करने के लिए supply ज़्यादा होती है, उस समय discount होता है, तब discount मतलब price कम रखते हैं और supply ज़्यादा होती है. Okay, तो ये तो positive relation हुआ ही नहीं, ये तो negative relation हो गया कि price कम है and supply ज़्यादा है उस चीज़ का. Okay, so that law of supply does not apply here also. Then the next is non-availability of resources. If the productive resources are limited, आप जो product बनाते हो उसके लिए जो भी resource चाहिए वो resource ही बहुत कम है. Production and supply of goods cannot be increased even if the prices are rising. Okay? So you cannot increase the supply in this case.